हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामायण क्विज के पार्ट 11 में। इस वीडियो में रामायण से जुड़े 7 सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। और अगर आपके रामायण क्विज के पहले के पार्ट्स मिस हो गए हैं तो उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया था? आपके ऑप्शंस हैं इंद्रजीत, अहिरावण, कालनेमी या फिर कुंभकर्ण। इसका सही आंसर है अहिरावण। अहिरावण रावण का भाई था और मेघनाथ का वध होने के बाद रावण ने अहिरावण से मदद मांगी थी। इस पर अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण किया और उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो सबसे पहले जटायु ने देखा था और रावण ने जटायु का एक पंख भी काट दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि जटायु के भाई का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं गरुड़, संपत्ति, क्रौंचा या फिर पिंगालिका। इसका सही आंसर है संपत्ति। और जब वानर सेना माता सीता की खोज कर रही थी तब संपत्ति ने ही वानर सेना को बताया था कि रावण माता सीता को लंका की ओर ले गया है। इनमें से किसे यह श्राप था कि वह अपनी शक्तियों को भूल जाएगा और किसी के याद दिलाने पर ही उसे अपनी शक्तियां याद आएंगी? आपके ऑप्शंस हैं हनुमान जी, जांबवन, बाली या फिर नील। इसका सही आंसर है हनुमान जी। बचपन में हनुमान जी काफी शरारती थे और उन्हें यह श्राप मिला था कि वह अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जरूरत पड़ने पर जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तभी उन्हें अपनी शक्तियां याद आएंगी। जब भरत को यह पता चला कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है तब भरत श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए उनसे मिलने चित्रकूट गए। किंतु जब श्री राम ने अयोध्या आने से मना कर दिया तब भरत इनमें से कौन सी चीज अपने साथ वापस अयोध्या लेकर के आए? आपके ऑप्शंस हैं श्री राम की चरण पादुका, उनका धनुष, उनका मुकुट या फिर उनके आभूषण। इसका सही आंसर है श्री राम की चरण पादुका। भरत अपने साथ श्री राम की चरण पादुका लेकर के वापस अयोध्या आए और उन्होंने राज सिंहासन के सामने उनकी चरण पादुका रख दी। राजा दशरथ का असली नाम नेमी था पर क्या आप बता सकते हैं कि उनका नाम दशरथ कैसे पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं उनके 10 सर थे, उनके पास 10 घोड़े थे, वो अपने रथ को 10 दिशाओं में चला सकते थे या फिर वह 10 युद्ध जीते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राजा दशरथ के पास एक अद्भुत कला थी जिस वजह से वह अपना रथ 10 दिशाओं में चला सकते थे। हम ये तो जानते हैं कि रावण काफी बुद्धिमान था और वह परम शिव भक्त था पर क्या आप जानते हैं कि रावण इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? आपके ऑप्शंस हैं तबला, बांसुरी, वीणा या फिर डमरू। इसका सही आंसर है वीणा। रावण वीणा बजाया करता था।
रामायण में कुंभ और निकुंभ इनमें से किसके पुत्र थे? आपके ऑप्शंस हैं रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत या फिर विभीषण। इसका सही आंसर है कुंभकर्ण। कुंभ निकुंभ कुंभकर्ण के पुत्र थे। श्री राम की माता का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी या फिर मंदोदरी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आए। और आपके स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियो लिंक्स दिख रहे होंगे जिन्हें कि अगर आप क्लिक करेंगे तो बाकी के वीडियो भी देख सकेंगे।